файні танки. Ну, і з трофейних працюємо. Так що тут нас навчали, як кажуть, для кожного танка. ये खारकियों का इलाका है और यहाँ ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। वो दिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। खारकियों के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहाँ आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल, रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल तो और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नेटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे? सौ दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नेटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें एमएलआरएस और हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे, लेकिन नेटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नेटो के तोपखाने रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है? इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का यह पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के तोपखाने रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है। आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली, इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नेटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवेत्जर 2, अमेरिका में बना हिमार्स रॉकेट, एमएलआर एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं।
जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नेटो के एडवांस हथियार। डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा हमले कैसे कर लिए, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से हक्के बक्के हैं। Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन पर अब तक 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। यहां तक कि यूक्रेन पर रूस 3500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आखिर रूस इतने सटीक तरीके से यूक्रेन के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल को कैसे तबाह कर रहा है। इसका जवाब कहीं ना कहीं रूस की पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली में मिलता है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के हथियारों का काल बन चुका है। जरा ये जान लीजिए, पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन काम कैसे करता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन रूस की एक ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली है। ये बिना रेडियो तरंगों को छोड़े नेटो और यूक्रेन के मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने के ध्वनिक सेंसर को पकड़ लेता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन मोर्टार, MLR, एंटी एयरक्राफ्ट या मिसाइल फायरिंग पोजीशन का तुरंत पता लगा लेती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये 1B75 पेनिसिलिन यानी आवाज बम जमीन पर तोपखाने, मिसाइल, रॉकेट, MLR, एंटी एयरक्राफ्ट की तरंगों को सेकंडों में पकड़ लेती है और तुरंत उस पर घातक हमला कर देती है, जिससे नेटो और यूक्रेन का तोपखाना और रॉकेट आर्मी बिना फायर किए मौके पर ही तबाह हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दो गुनी संख्या में 1B75 पेनिसिलिन को यूक्रेन और नेटो के खिलाफ जंग में उतार दिया है, जिसकी वजह से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के टॉप कमांडर तो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि पुतिन का आवाज बम नेटो और यूक्रेन पर डबल डोज अटैक साबित हो रहा है। текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. पुतिन के मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन की तरफ बढ़ चुका है। इधर ज़ेलेंस्की को कागजों पर टैंक मिल रहे हैं, फाइटर जेट देने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि यूक्रेन का तो सिर्फ भगवान ही मालिक है, क्योंकि रूस ने जब से गुप्त तरीके से 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली को जंग में उतारा है, तब से यूक्रेन लगातार हारता जा रहा है। जरा ये भी जान लीजिए, 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम यूक्रेन के लिए यमराज क्यों बन गया है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक सेंसर यानी जमीन पर तोपखाने, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के कंपन को भांप लेता है। महज 5 सेकंड में ध्वनिक सेंसर 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम दुश्मन के हथियारों का पता लगा लेता है, जबकि दुश्मनों को रूस के 1B75 पेनिसिलिन की भनक तक नहीं मिलती, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को नहीं छोड़ता है। ये 40 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की घातक मिसाइल, होवित्ज़र तोपखाने, हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम, MLR का पलक झपकते पता लगा लेता है और तुरंत हमला करके तबाह कर देता है। रूस ने 1B75 पेनिसिलिन को साल 2020 से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में 1B75 पेनिसिलिन की डबल डोज यानी हमलों से नेटो और यूक्रेन के हथियारों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को अब तक जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो नेटो और ना ही पश्चिमी देशों के हथियार रूस को जंग में हरा पा रहे हैं। बल्कि रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें वोलेदार, खेरसोन और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है।
Артилерія номер один – це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії. कुल मिलाकर पुतिन का रूस नाटो और पश्चिमी देशों के कुल 80 देशों से अकेले दम पर निपट रहा है। लेकिन जब से पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन वॉनिक थर्मल आर्टिलरी तो ही प्रणाली जंग में उतरी है, तब से यूक्रेन के लिए रूस का यह हथियार साक्षात काल बन चुका है। अब देखते हैं कि रूस के स्पेशल ऑपरेशन को जेलेंस्की का यूक्रेन और नाटो दक्षिणी यूक्रेन में कैसे रोकते हैं। जेलेंस्की को लेपर्ड मिलेगा, एब्रम्स मिलेगा, चैलेंजर मिलेगा, तो कोई शक नहीं कि पुतिन तिगुनी ताकत वाले टैंक पावर से जवाब देंगे। जेलेंस्की के टैंक को रोकने के लिए पुतिन एंटी टैंक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसे में पुतिन के गुस्से से कैसे बचेंगे जेलेंस्की के कमांडर? तो उसका जवाब है ये तस्वीरें। तस्वीर नंबर एक, आप सोचेंगे कि ये कैसा टैंक है, ये चीज दिखती तो टैंक की तरह है। तस्वीर नंबर दो, ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा नजर आता है और ये टैंक नहीं हो सकता। तस्वीर नंबर तीन, इसे डिकॉय हथियार कहते हैं, यानी दुश्मन को धोखा देने वाला वो हथियार। तस्वीर नंबर चार, ऐसे डिकॉय हथियार को तबाह करने के चक्कर में दुश्मन अपने बेशकीमती मिसाइल बर्बाद कर लेता है। तस्वीर नंबर पांच, ये टैंक भी हो सकता है, ये हाइमर जैसा रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है। अब देखिए कि ऐसे हथियार कैसे बनाए जाते हैं और कुछ मिनटों में ये कपड़े नुमा टैंक कैसे हवा भरने के बाद एक असली हथियार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेक गणराज्य की कंपनी ऐसे डमी हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई किया है और इनकी मांग तेज हो रही है क्योंकि जेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। देखिए कैसे तैयार हो गया एक हाइमर सिस्टम, और अगर जेलेंस्की इसे तैनात करते हैं तो पुतिन की फौज अपने मिसाइल इस पर जरूर दागेगी और तब पुतिन फंस जाएंगे। दिस थिंग इज अ सडन बूम बिकॉज़ बिफोर दिस इट वाज ओनली अ वेरी स्मॉल मार्केट वेयर पीपल डिडंट इवन नो अबाउट दैट वी एग्जिस्ट दैट वी आर डूइंग सच अ डिकॉय या व्हाटएवर। But now with the awareness and how we've been spending a little bit more of our budgets with marketing and sales, and that's where I come in, there is more inquiries, there is more people who want to know. There's a lot of them don't even know that there is such a thing available. अपनी टैंक पावर और अपने लड़ाकू विमानों के फ्लीट गमा चुके जेलेंस्की को ये आइडिया बाइडन ने दिया है। बाइडन ने जेलेंस्की से कहा है कि जब तक नाटो नए हथियार पहुंचाता है तब तक वो ऐसे गुब्बारों से पुतिन को फंसाने की कोशिश करें। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि नाटो से नई खेप मिलने तक जेलेंस्की का हथियार गोदाम खाली है और पुतिन लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अब नाटो ने जेलेंस्की को नया झुंझुना थमा दिया है जो कम से कम पुतिन की मिसाइलों को तो बहका ही सकता है। अब पैसों के मामले में क्या खेल करता है वो समझिए। ये गुब्बारे वाला एक बैटल टैंक 15,000 से 20,000 रुपए का आता है और इस पर फायर की जाने वाली मिसाइल कम से कम 15,000 से 20,000 या उससे भी महंगी होती है। ऐसे में पुतिन को बहकाने के लिए जेलेंस्की के साजिश को आप समझ सकते हैं। पुतिन बहुत गोले बरसा रहे हैं, यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पुतिन जब हमला करते हैं तो एक साथ दर्जनों मिसाइल दागते हैं, चाहे कीव हो, ओदेसा हो, बखमूत हो या फिर खार्किव। पुतिन का गुस्सा चारों तरफ आग बनकर फूंकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हर महीने यूक्रेन की फौज पर 4.5 लाख गोले दाग रहे हैं, यानी हर रोज पुतिन को 15,000 गोलों की जरूरत पड़ती है और उनकी वॉर फैक्ट्री को रोजाना इतने गोलों का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि अगर पुतिन की गोलाबारी जेलेंस्की के असली टैंक की बजाय ऐसे नकली टैंक पर होगी
तो नुकसान किससे ज्यादा होगा, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की को पूरी फंडिंग यूरोप और नेटो के देश कर रहे हैं। पुतिन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली ये टैक्टिक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये बात बाइडेन और उनके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डिकॉय हथियार आर्टिफिशियल रेशम और रबर से बना होता है और ऐसे डमी का वजन 100 किलो तक हो सकता है। इसमें हवा भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसे तैनात करने के लिए 3 से 4 फौजियों की जरूरत होती है। इस तरह के नकली हथियार बनाने वाली कंपनियों को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जबरदस्त फायदा हुआ है, क्योंकि अब उनको सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऑर्डर मिलने लगे। Na základě toho, že my si vědomi, že jsme špička globálně ve výrobě nafukovacích návnad, tak pokud někdo někde používá nějaké návnady, které jsou opravdu úspěšné, tak my pevně věříme, že jsou od nás a nedají se na trhu sehnat. जब 2022 में ज़ेलेंस्की को अमेरिका से हाइमर सिस्टम मिले तो पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद पुतिन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले में हाइमर्स सिस्टम के अलावा M777 तोप भी तबाह हुई है, जबकि ज़ेलेंस्की की फौज ने बताया कि एक भी सिस्टम रूस के हमले में बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे में क्या समझा जाए कि पुतिन की फौज ने अपना गोला बारूद उस निशाने को खत्म करने में इस्तेमाल किया जो असलियत में हवा से भरे गुब्बारे थे। हाल ही में ज़ेलेंस्की की फौज पर रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिका की तरफ से सप्लाई की गई तोप को नुकसान पहुंचाया है। В направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Один танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы МСТ-Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 1 артиллерийская система М777 производства США. जब यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले चल रहे हैं, बखमूत से लेकर खारकीव पर बमबारी तेज हो गई है, तब रूस और यूक्रेन के दावों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन सच यही है कि डिकॉय हथियार दुश्मन फौज को गुमराह तो कर ही देते हैं। अभी डॉनबास और आसपास सबसे खतरनाक टैंक युद्ध का डर सता रहा है और यहाँ पुतिन अपनी सबसे बड़ी फोर्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। पूरा यूरोप इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। मार्च और उसके बाद ऐसी लड़ाई होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट की नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वालेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वालेरी गेरासिमो आर्मर कोर ऑफिसर हैं और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वालेरी गेरासिमो के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को नेटो से नए टैंक मिलेंगे, ये बात तय है। ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में 2 टैंकों का नाम सबसे आगे रहा है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। जबकि दोनों टैंक यूक्रेन आएंगे तो इनकी टक्कर रूस के 2 बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72 B3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है।
यूक्रेन की फौज इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि टैंक युद्ध के लिए पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर काम पर लगा दिया है। जब तक नए टैंक फ्रंट पर नहीं पहुंचते, यूक्रेन की टैंक पावर अपनी ताकत जुटाकर मोर्चा संभाले हुए है। वो रूस के टैंकों को अपने सामने साफ साफ देख सकते हैं। Група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою, зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. Зараз це працює танчик по координатам в повній взаємодії з аеророзвідкою. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के 3,500 टैंक या तो खत्म कर दिए गए या फिर किसी लायक नहीं छोड़े गए, और जिन टैंकों को रूस के फौजी छोड़कर भागे हैं, अब वही टैंक यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है। Нас навчали, як кажуть, для кожного танка. Це Харків का इलाका है और यहां ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। खार्किव के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहां आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल, रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल, तोप और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नेटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे? सौ 80 दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नेटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें MLRS और HIMARS रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे, लेकिन नेटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नेटो के तोपखाने रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है? इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में
पेनिसिलिन साउंड थर्मल दोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का ये पेनिसिलिन साउंड थर्मल दोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के तोपखाने रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है। आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल दोही प्रणाली, इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नाटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवेत्जर 2, अमेरिका में बना हिमार्स रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली छुन छुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नेटो के एडवांस हथियार। डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा हमले कैसे कर लिए, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से हक्के बक्के हैं। Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन पर अब तक 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। यहां तक कि यूक्रेन पर रूस 3500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आखिर रूस इतने सटीक तरीके से यूक्रेन के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल को कैसे तबाह कर रहा है। इसका जवाब कहीं ना कहीं रूस की पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली में मिलता है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो के हथियारों का काल बन चुका है। जरा ये जान लीजिए पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन काम कैसे करता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन रूस की एक ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली है। ये बिना रेडियो तरंगों को छोड़े नेटो और यूक्रेन के मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने के ध्वनिक सेंसर को पकड़ लेता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन मोर्टार, MLR एंटी एयरक्राफ्ट या मिसाइल फायरिंग पोजीशन का तुरंत पता लगा लेती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये 1B75 पेनिसिलिन यानी आवाज बम जमीन पर तोपखाने, मिसाइल, रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट की तरंगों को सेकंडों में पकड़ लेती है और तुरंत उस पर घातक हमला कर देती है, जिससे नेटो और यूक्रेन का तोपखाना और रॉकेट आर्मी बिना फायर किए मौके पर ही तबाह हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में 2 गुनी संख्या में 1B75 पेनिसिलिन को यूक्रेन और नेटो के खिलाफ जंग में उतार दिया है, जिसकी वजह से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के टॉप कमांडर तो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि पुतिन का आवाज बम नेटो और यूक्रेन पर डबल डोज अटैक साबित हो रहा है। текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. पुतिन के मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन की तरफ बढ़ चुका है। इधर ज़ेलेंस्की को कागजों पर टैंक मिल रहे हैं, फाइटर जेट देने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि यूक्रेन का तो सिर्फ भगवान ही मालिक है, क्योंकि रूस ने जब से गुप्त तरीके से 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली को जंग में उतारा है, तब से यूक्रेन लगातार हारता जा रहा है। जरा ये भी जान लीजिए 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम यूक्रेन के लिए यमराज क्यों बन गया है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन
ध्वनिक सेंसर यानी जमीन पर प्रोब खाने, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के कंपन को भांप लेता है। महज 5 सेकंड में ध्वनिक सेंसर 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम दुश्मन के हथियारों का पता लगा लेता है, जबकि दुश्मनों को रूस के 1B75 पेनिसिलिन की भनक तक नहीं मिलती, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को नहीं छोड़ता है। ये 40 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की घातक मिसाइल, होवित्ज़र 2, तोपखाने, हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम MLR का पलक झपकते पता लगा लेता है और तुरंत हमला करके तबाह कर देता है। रूस ने 1B75 पेनिसिलिन को साल 2020 से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में 1B75 पेनिसिलिन की डबल डोज यानी हमलों से नेटो और यूक्रेन के हथियारों की चीथड़े उड़ा दिए हैं। पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को अब तक जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो नेटो और ना ही पश्चिमी देशों के हथियार रूस को जंग में हरा पा रहे हैं। बल्कि रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें वोलेदार, खेरसोन और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। Артилерія номер 1 це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію, не стріляти по території Росії. कुल मिलाकर पुतिन का रूस, नाटो और पश्चिमी देशों के कुल 80 देशों से अकेले दम पर निपट रहा है, लेकिन जब से पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली जंग में उतरी है, तब से यूक्रेन के लिए रूस का यह हथियार साक्षात काल बन चुका है। अब देखते हैं कि रूस के स्पेशल ऑपरेशन को ज़ेलेंस्की का यूक्रेन और नाटो दक्षिणी यूक्रेन में कैसे रोकते हैं। ज़ेलेंस्की को लेपर्ड मिलेगा, एब्रम्स मिलेगा, चैलेंजर मिलेगा, तो कोई शक नहीं कि पुतिन तेहोनी ताकत वाले टैंक पावर से जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की के टैंक को रोकने के लिए पुतिन एंटी टैंक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसे में पुतिन के गुस्से से कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की के कमांडर? तो उसका जवाब है ये तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1। आप सोचेंगे कि ये कैसा टैंक है, ये चीज दिखती तो टैंक की तरह है। तस्वीर नंबर 2। ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा नजर आता है और ये टैंक नहीं हो सकता। तस्वीर नंबर 3। इसे डिकॉय हथियार कहते हैं, यानी दुश्मन को धोखा देने वाला वो हथियार। तस्वीर नंबर 4। ऐसे डिकॉय हथियार को तबाह करने के चक्कर में दुश्मन अपने बेशकीमती मिसाइल बर्बाद कर लेता है। तस्वीर नंबर 5। ये टैंक भी हो सकता है, ये हाइमर्स जैसा रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है। अब देखिए कि ऐसे हथियार कैसे बनाए जाते हैं और कुछ मिनटों में ये कपड़े नुमा टैंक कैसे हवा भरने के बाद एक असली हथियार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेक गणराज्य की कंपनी ऐसे डमी हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई किया है और इनकी मांग तेज हो रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। देखिए कैसे तैयार हो गया एक हाइमर्स सिस्टम, और अगर ज़ेलेंस्की इसे तैनात करते हैं तो पुतिन की फौज अपने मिसाइल इस पर जरूर दागेगी और तब पुतिन फंस जाएंगे। दिस थिंग इज अ सडन बूम, बिकॉज़ बिफोर दिस इट वाज ओनली अ वेरी स्मॉल मार्केट वेयर पीपल डिडंट इवन नो अबाउट दैट वी एग्जिस्ट, दैट वी आर डूइंग सच अ डिकॉय और व्हाटएवर. But now with the awareness and how we've been spending a little bit more of our budgets with marketing and sales, and that's where I come in, there is more inquiries, there is more people who wanting to know. There's a lot of them don't even know that there is such a thing available. अपनी टैंक पावर और अपने लड़ाकू विमानों के फ्लीट गमा चुके ज़ेलेंस्की को ये आइडिया बाइडन ने दिया है,
बाइडन ने जेलेंस्की से कहा है कि जब तक नेटो नए हथियार पहुंचाता है तब तक वो ऐसे गुब्बारों से पुतिन को फंसाने की कोशिश करें। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि नेटो से नई खेप मिलने तक जेलेंस्की का हथियार गोदाम खाली है और पुतिन लगातार क्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अब नेटो ने जेलेंस्की को नया झुंझुना थमा दिया है जो कम से कम पुतिन की मिसाइलों को तो बहका ही सकता है। अब पैसों के मामले में क्या खेल करता है वो समझिए। ये गुब्बारे वाला एक बैटल टैंक 15 से 20 हजार रुपए का आता है और इस पर फायर की जाने वाली मिसाइल कम से कम 15 से 20 लाख या उससे भी महंगी होती है। ऐसे में पुतिन को बहकाने के लिए जेलेंस्की की इस साजिश को आप समझ सकते हैं। पुतिन बहुत गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पुतिन जब हमला करते हैं तो एक साथ दर्जनों मिसाइल दागते हैं, चाहे की हो, ओदेसा हो, बखमूत हो या फिर खारकीव। पुतिन का गुस्सा चारों तरफ आग बनकर फूंकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हर महीने यूक्रेन की फौज पर 4.5 लाख गोले दाग रहे हैं, यानी हर रोज पुतिन को 15,000 गोलों की जरूरत पड़ती है और उनकी वॉर फैक्ट्री को रोजाना इतने गोलों का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि अगर पुतिन की गोलाबारी जेलेंस्की के असली टैंक की बजाय ऐसे नकली टैंक पर होगी तो नुकसान किसे ज्यादा होगा, खासकर तब जब जेलेंस्की को पूरी फंडिंग यूरोप और नेटो के देश कर रहे हैं। पुतिन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली ये टैक्टिक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये बात बाइडन और उनके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डिकॉय हथियार आर्टिफिशियल रेशम और रबर से बना होता है और ऐसे डमी का वजन 100 किलो तक हो सकता है। इसमें हवा भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसे तैनात करने के लिए 3 से 4 फौजियों की जरूरत होती है। इस तरह के नकली हथियार बनाने वाली कंपनियों को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जबरदस्त फायदा हुआ है क्योंकि अब उनको सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऑर्डर मिलने लगे। Na základě toho, že my si vědomi, že jsme špička globálně ve výrobě nafukovacích návnad, tak pokud někdo někde používá nějaké návnady, které jsou opravdu úspěšné, tak my pevně věříme, že jsou od nás a nedají se na trhu sehnat. जब 2022 में जेलेंस्की को अमेरिका से हाइमर सिस्टम मिले तो पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद पुतिन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले में हाइमर सिस्टम के अलावा M777 तोप भी तबाह हुई है, जबकि जेलेंस्की की फौज ने बताया कि एक भी सिस्टम रूस के हमले में बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे में क्या समझा जाए कि पुतिन की फौज ने अपना गोला बारूद उस निशाने को खत्म करने में इस्तेमाल किया जो असलियत में हवा से भरे गुब्बारे थे। हाल ही में जेलेंस्की की फौज पर रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिका की तरफ से सप्लाई की गई तोप को नुकसान पहुंचाया। В направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Один танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы М100Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 1 артиллерийская система М777 производства США. जब यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले चल रहे हैं, बखमूत से लेकर खारकीव पर बमबारी तेज हो गई है, तब रूस और यूक्रेन के दावों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन सच यही है कि डिकॉय हथियार दुश्मन फौज को गुमराह तो कर ही देते हैं। अभी डॉनबास और आसपास सबसे खतरनाक टैंक युद्ध का डर सता रहा है और यहाँ पुतिन अपनी सबसे बड़ी फोर्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। पूरा यूरोप इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। मार्च और उसके बाद ऐसी लड़ाई होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है।
यही वजह है कि पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वालेरी गेरासिमो को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वालेरी गेरासिमो आर्मर कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वालेरी गेरासिमो के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को नेटो से नए टैंक मिलेंगे, ये बात तय है। ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में दो टैंकों का नाम सबसे आगे रहा है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। जब ये दोनों टैंक यूक्रेन आएंगे तो इनकी टक्कर रूस के दो बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72 B3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। यूक्रेन की फौज इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि टैंक युद्ध के लिए पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर काम पर लगा दिया है। जब तक नए टैंक फ्रंट पर नहीं पहुंचते, यूक्रेन की टैंक पावर अपनी ताकत जुटाकर मोर्चा संभाले हुए है। वो रूस के टैंकों को अपने सामने साफ साफ देख सकते हैं। Дією розвідки було виявлено група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою. Зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. Зараз це працює танчик по координатам в повній взаємодії з аеророзвідкою. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के 3,500 टैंक या तो खत्म कर दिए गए या फिर किसी लायक नहीं छोड़े गए और जिन टैंकों को रूस के फौजी छोड़कर भागे हैं अब वही टैंक यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है। Нас навчали, як кажуть, для кожного танка. Це Харків का इलाका है और यहां ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। खार्किव के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहां आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल तो और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नेटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे?
380 दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वोहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नाटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें एमएलआरएस और हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे, लेकिन नाटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नाटो के तोपखाने रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है। इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल दोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का ये पेनिसिलिन साउंड थर्मल दोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नाटो के तोपखाने रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है। आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल दोही प्रणाली, इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नाटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवेत्जर 2, अमेरिका में बना हिमार्स रॉकेट, एमएलआर एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नाटो के एडवांस हथियार। डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा हमले कैसे कर लिए, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से हक्के बक्के हैं। Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Рус ке давом ке мутабик Україн пар аб так 5000 се зяда мисайл хамле хо чуке. यहां तक कि यूक्रेन पर रूस 3,500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आखिर रूस इतने सटीक तरीके से यूक्रेन के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल को कैसे तबाह कर रहा है। इसका जवाब कहीं ना कहीं रूस की पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली में मिलता है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के हथियारों का काल बन चुका है। जरा ये जान लीजिए पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन काम कैसे करता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन रूस की एक ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली है। ये बिना रेडियो तरंगों को छोड़े नाटो और यूक्रेन के मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने के ध्वनिक सेंसर को पकड़ लेता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन मोर्टार, एमएलआर एंटी एयरक्राफ्ट या मिसाइल फायरिंग पोजिशन का तुरंत पता लगा लेती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये 1B75 पेनिसिलिन यानी आवाज बम जमीन पर तोपखाने, मिसाइल, रॉकेट, एमएलआर एंटी एयरक्राफ्ट की तरंगों को सेकंडों में पकड़ लेती है और तुरंत उस पर घातक हमला कर देती है, जिससे नाटो और यूक्रेन का तोपखाना और रॉकेट आर्मी बिना फायर किए मौके पर ही तबाह हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में 2 गुनी संख्या में 1B75 पेनिसिलिन को यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जंग में उतार दिया है, जिसकी वजह से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस
रूस के टॉप कमांडर तो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि पुतिन का आवाज बम नेटो और यूक्रेन पर डबल डोज अटैक साबित हो रहा है। текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. पुतिन के मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन की तरफ बढ़ चुका है। इधर ज़ेलेंस्की को कागजों पर टैंक मिल रहे हैं, फाइटर जेट देने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि यूक्रेन का तो सिर्फ भगवान ही मालिक है, क्योंकि रूस ने जब से गुप्त तरीके से 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी तो ही प्रणाली को जंग में उतारा है, तब से यूक्रेन लगातार हारता जा रहा है। जरा ये भी जान लीजिए, 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम यूक्रेन के लिए यमराज क्यों बन गया है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक सेंसर यानी जमीन पर तोपखाने, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के कंपन को भांप लेता है। महज 5 सेकंड में ध्वनिक सेंसर 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम दुश्मन के हथियारों का पता लगा लेता है, जबकि दुश्मनों को रूस के 1B75 पेनिसिलिन की भनक तक नहीं मिलती, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को नहीं छोड़ता है। ये 40 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की घातक मिसाइल, होवित्ज़र तोपखाने, हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम, MLR का पलक झपकते पता लगा लेता है और तुरंत हमला करके तबाह कर देता है। रूस ने 1B75 पेनिसिलिन को साल 2020 से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में 1B75 पेनिसिलिन की डबल डोज यानी हमलों से नेटो और यूक्रेन के हथियारों की चीथड़े उड़ा दिए हैं। पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को अब तक जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो नेटो और ना ही पश्चिमी देशों के हथियार रूस को जंग में हरा पा रहे हैं। बल्कि रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें वोलेदार, खेरसोन और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। Артилерія, артилерія номер 1 це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію, не стріляти по території Росії. कुल मिलाकर पुतिन का रूस, नाटो और पश्चिमी देशों के कुल 80 देशों से अकेले दम पर निपट रहा है, लेकिन जब से पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी तो ही प्रणाली जंग में उतरी है, तब से यूक्रेन के लिए रूस का यह हथियार साक्षात काल बन चुका है। अब देखते हैं कि रूस के स्पेशल ऑपरेशन को ज़ेलेंस्की का यूक्रेन और नाटो दक्षिणी यूक्रेन में कैसे रोकते हैं। ज़ेलेंस्की को लेपर्ड मिलेगा, एब्रम्स मिलेगा, चैलेंजर मिलेगा, तो कोई शक नहीं कि पुतिन तिगुनी ताकत वाले टैंक पावर से जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की के टैंक को रोकने के लिए पुतिन एंटी टैंक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसे में पुतिन के गुस्से से कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की के कमांडर, तो उसका जवाब है ये तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, आप सोचेंगे कि ये कैसा टैंक है, ये चीज दिखती तो टैंक की तरह है। तस्वीर नंबर 2, ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा नजर आता है और ये टैंक नहीं हो सकता। तस्वीर नंबर 3, इसे डिकॉय हथियार कहते हैं, यानी दुश्मन को धोखा देने वाला वो हथियार। तस्वीर नंबर 4, ऐसे डिकॉय हथियार को तबाह करने के चक्कर में दुश्मन अपने बेशकीमती मिसाइल बर्बाद कर लेता है। तस्वीर नंबर 5, ये टैंक भी हो सकता है, ये हाइमर्स जैसा रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है। अब देखिए कि ऐसे हथियार कैसे बनाए जाते हैं और कुछ मिनटों में ये कपड़े नुमा टैंक कैसे हवा भरने के बाद एक असली हथियार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेक गणराज्य की कंपनी ऐसे डमी हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई किया है।
और इनकी मांग तेज हो रही है क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। देखिए कैसे तैयार हो गया एक हाइमर्स सिस्टम, और अगर ज़ेलेंस्की इसे तैनात करते हैं तो पुतिन की फौज अपने मिसाइल इस पर जरूर दागेगी और तब पुतिन फंस जाएंगे। This thing is a sudden boom, because before this it was only a very small market where people didn't even know about that we exist, that we are doing such a decoy or whatsoever. But now with the awareness and how we've been spending a little bit more of our budgets with marketing and sales, and that's where I come in, there is more inquiries, there is more people who wanted to know. There's a lot of them don't even know that there is such a thing available. अपनी टैंक पावर और अपने लड़ाकू विमानों के फ्लीट गमा चुके ज़ेलेंस्की को यह आइडिया बाइडन ने दिया है। बाइडन ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि जब तक नेटो नए हथियार पहुंचाता है तब तक वो ऐसे गुब्बारों से पुतिन को फंसाने की कोशिश करें। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि नेटो से नई खेप मिलने तक ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम खाली है और पुतिन लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अब नेटो ने ज़ेलेंस्की को नया झुंझुना थमा दिया है जो कम से कम पुतिन की मिसाइलों को तो बहका ही सकता है। अब पैसों के मामले में क्या खेल करता है वो समझिए। ये गुब्बारे वाला एक बैटल टैंक 15,000 से 20,000 रुपए का आता है और इस पर फायर की जाने वाली मिसाइल कम से कम 15,000 से 20,000 या उससे भी महंगी होती है। ऐसे में पुतिन को बहकाने के लिए ज़ेलेंस्की की साजिश को आप समझ सकते हैं। पुतिन बहुत गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पुतिन जब हमला करते हैं तो एक साथ दर्जनों मिसाइल दागते हैं, चाहे कीव हो, ओदेसा हो, बखमूत हो या फिर खार्किव। पुतिन का गुस्सा चारों तरफ आग बनकर फूटता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हर महीने यूक्रेन की फौज पर 4.5 लाख गोले दाग रहे हैं, यानी हर रोज पुतिन को 15,000 गोलों की जरूरत पड़ती है और उनकी वॉर फैक्ट्री को रोजाना इतने गोलों का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि अगर पुतिन की गोलाबारी ज़ेलेंस्की के असली टैंक की बजाय ऐसे नकली टैंक पर होगी तो नुकसान किसे ज्यादा होगा, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की को पूरी फंडिंग यूरोप और नेटो के देश कर रहे हैं। पुतिन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली ये टैक्टिक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये बात बाइडन और उनके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डिकॉय हथियार आर्टिफिशियल रेशम और रबर से बना होता है और ऐसे डमी का वजन 100 किलो तक हो सकता है। इसमें हवा भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसे तैनात करने के लिए 3 से 4 फौजियों की जरूरत होती है। इस तरह के नकली हथियार बनाने वाली कंपनियों को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जबरदस्त फायदा हुआ है क्योंकि अब उनको सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऑर्डर मिलने लगे। Na základě toho, že my si vědomi, že jsme špička globálně ve výrobě nafukovacích návnad, tak pokud někdo někde používá nějaké návnady, které jsou opravdu úspěšné, tak my pevně věříme, že jsou od nás a nedají se na trhu sehnat. जब 2022 में ज़ेलेंस्की को अमेरिका से हाइमर सिस्टम मिले तो पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद पुतिन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले में हाइमर्स सिस्टम के अलावा M777 तोप भी तबाह हुई है, जबकि ज़ेलेंस्की की फौज ने बताया कि एक भी सिस्टम रूस के हमले में बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे में क्या समझा जाए कि पुतिन की फौज ने अपना गोला बारूद उस निशाने को खत्म करने में इस्तेमाल किया जो असलियत में हवा से भरे गुब्बारे थे। हाल ही में ज़ेलेंस्की की फौज पर रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिका की तरफ से सप्लाई की गई तोप को नुकसान पहुंचाया। В направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Один танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы МСТ-Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 1 артиллерийская система М777 производства США. В
जब यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले चल रहे हैं, बखमूत से लेकर खारकीव पर बमबारी तेज हो गई है, तब रूस और यूक्रेन के दावों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन सच यही है कि डेकॉय हथियार दुश्मन फौज को गुमराह तो कर ही देते हैं। अभी डॉनबास और आसपास सबसे खतरनाक टैंक युद्ध का डर सता रहा है और यहाँ पुतिन अपनी सबसे बड़ी फोर्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। पूरा यूरोप इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। मार्च और उसके बाद ऐसी लड़ाई होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को तीन फ्रंट की नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वालेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वालेरी गेरासिमोव आर्मर कोर ऑफिसर हैं और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वालेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को नेटो से नए टैंक मिलेंगे, ये बात तय है। ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में दो टैंकों का नाम सबसे आगे रहा है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। जबकि दोनों टैंक यूक्रेन आएंगे तो इनकी टक्कर रूस के दो बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72 B3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। यूक्रेन की फौज इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि टैंक युद्ध के लिए पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर काम पर लगा दिया है। जब तक नए टैंक फ्रंट पर नहीं पहुंचते, यूक्रेन की टैंक पावर अपनी ताकत जुटाकर मोर्चा संभाले हुए है। वो रूस के टैंकों को अपने सामने साफ साफ देख सकते हैं। Дією розвідки було виявлено група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою. Зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. Зараз це працює танчик по координатам в повній взаємодії з аеророзвідкою. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के 3,500 टैंक या तो खत्म कर दिए गए या फिर किसी लायक नहीं छोड़े गए। और जिन टैंकों को रूस के फौजी छोड़कर भागे हैं, अब वही टैंक यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है। Нас навчали, як кажуть, для кожного танка. Це Харків का इलाका है और यहां ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। खारकीव के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहां आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं।
पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल तो और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नेटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे? दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नेटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें MLRS और HIMARS रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे, लेकिन नेटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नेटो के तोपखाने रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है? इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का यह पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के तोपखाने रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है। आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली, इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नेटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवेत्जर 2, अमेरिका में बना HIMARS रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं, जबकि अमेरिका के HIMARS रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नेटो के एडवांस हथियार। डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा हमले कैसे कर लिए, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से हक्के बक्के हैं। Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन पर अब तक 5,000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। यहां तक कि यूक्रेन पर रूस 3,500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आखिर रूस इतने सटीक तरीके से यूक्रेन के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल को कैसे तबाह कर रहा है।
इसका जवाब कहीं ना कहीं रूस की पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली में मिलता है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के हथियारों का काल बन चुका है। जरा ये जान लीजिए पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन काम कैसे करता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन रूस की एक ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली है। ये बिना रेडियो तरंगों को छोड़े नाटो और यूक्रेन के मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने के ध्वनिक सेंसर को पकड़ लेता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन मोर्टार MLR एंटी एयरक्राफ्ट या मिसाइल फायरिंग पोजीशन का तुरंत पता लगा लेती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये 1B75 पेनिसिलिन यानी आवाज बम जमीन पर तोपखाने, मिसाइल, रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट की तरंगों को सेकंडों में पकड़ लेती है और तुरंत उस पर घातक हमला कर देती है, जिससे नाटो और यूक्रेन का तोपखाना और रॉकेट आर्मी बिना फायर किए मौके पर ही तबाह हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दो गुनी संख्या में 1B75 पेनिसिलिन को यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जंग में उतार दिया है, जिसकी वजह से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के टॉप कमांडर तो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि पुतिन का आवाज बम नाटो और यूक्रेन पर डबल डोज अटैक साबित हो रहा है। текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. पुतिन के मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन की तरफ बढ़ चुका है। इधर जेलेंस्की को कागजों पर टैंक मिल रहे हैं, फाइटर जेट देने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि यूक्रेन का तो सिर्फ भगवान ही मालिक है, क्योंकि रूस ने जब से गुप्त तरीके से 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली को जंग में उतारा है, तब से यूक्रेन लगातार हारता जा रहा है। जरा ये भी जान लीजिए 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम यूक्रेन के लिए यमराज क्यों बन गया है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक सेंसर यानी जमीन पर तोपखाने, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के कंपन को भांप लेता है। महज 5 सेकंड में ध्वनिक सेंसर 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम दुश्मन के हथियारों का पता लगा लेता है, जबकि दुश्मनों को रूस के 1B75 पेनिसिलिन की भनक तक नहीं मिलती, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को नहीं छोड़ता है। ये 40 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की घातक मिसाइल, होवित्ज़र तोपखाने, हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम, MLR का पलक झपकते पता लगा लेता है और तुरंत हमला करके तबाह कर देता है। रूस ने 1B75 पेनिसिलिन को साल 2020 से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में 1B75 पेनिसिलिन की डबल डोज यानी हमलों से नाटो और यूक्रेन के हथियारों की चीथड़े उड़ा दिए हैं। पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। खुद जेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को अब तक जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो नाटो और ना ही पश्चिमी देशों के हथियार रूस को जंग में हरा पा रहे हैं। बल्कि रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें वोलेदार, खेरसोन और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। Артилерія, артилерія номер 1 це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію, не стріляти по території Росії. कुल मिलाकर पुतिन का रूस, नाटो और पश्चिमी देशों के कुल 80 देशों से अकेले दम पर निपट रहा है, लेकिन जब से पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली जंग में उतरी है, तब से यूक्रेन के लिए रूस का यह हथियार साक्षात काल बन चुका है। अब देखते हैं कि रूस के स्पेशल ऑपरेशन को जेलेंस्की का यूक्रेन और नाटो दक्षिणी यूक्रेन में कैसे रोकते हैं। जेलेंस्की को लेपर्ड मिलेगा, एब्रम्स मिलेगा, चैलेंजर मिलेगा, तो कोई शक नहीं कि पुतिन तेहोनी ताकत वाले टैंक पावर से जवाब देंगे।
ज़ेलेंस्की के टैंक को रोकने के लिए पुतिन एंटी टैंक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसे में पुतिन के गुस्से से कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की के कमांडर? तो उसका जवाब है ये तस्वीरें। तस्वीर नंबर एक, आप सोचेंगे कि ये कैसा टैंक है, ये चीज दिखती तो टैंक की तरह है। तस्वीर नंबर दो, ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा नजर आता है और ये टैंक नहीं हो सकता। तस्वीर नंबर तीन, इसे डिकॉय हथियार कहते हैं, यानी दुश्मन को धोखा देने वाला वो हथियार। तस्वीर नंबर चार, ऐसे डिकॉय हथियार को तबाह करने के चक्कर में दुश्मन अपने बेशकीमती मिसाइल बर्बाद कर लेता है। तस्वीर नंबर पांच, ये टैंक भी हो सकता है, ये हाइमर्स जैसा रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है। अब देखिए कि ऐसे हथियार कैसे बनाए जाते हैं और कुछ मिनटों में ये कपड़े नुमा टैंक कैसे हवा भरने के बाद एक असली हथियार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेक गणराज्य की कंपनी ऐसे डमी हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई किया है और इनकी मांग तेज हो रही है क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। देखिए कैसे तैयार हो गया एक हाइमर्स सिस्टम, और अगर ज़ेलेंस्की इसे तैनात करते हैं तो पुतिन की फौज अपनी मिसाइल इस पर जरूर दागेगी और तब पुतिन फंस जाएंगे। This thing is a sudden boom because before this it was only a very small market where people didn't even know about that we exist, that we are doing such a decoy or whatsoever. But now with the awareness and how we've been spending a little bit more of our budgets with marketing and sales, and that's where I come in, there is more inquiries, there is more people who wanting to know. There's a lot of them don't even know that there is such a thing available. अपनी टैंक पावर और अपने लड़ाकू विमानों के फ्लीट गमा चुके ज़ेलेंस्की को ये आइडिया बाइडन ने दिया है। बाइडन ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि जब तक नेटो नए हथियार पहुंचाता है तब तक वो ऐसे गुब्बारों से पुतिन को फंसाने की कोशिश करें। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि नेटो से नई खेप मिलने तक ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम खाली है और पुतिन लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अब नेटो ने ज़ेलेंस्की को नया झुंझुना थमा दिया है जो कम से कम पुतिन की मिसाइलों को तो बहका ही सकता है। अब पैसों के मामले में क्या खेल करता है वो समझिए। ये गुब्बारे वाला एक बैटल टैंक 15,000 से 20,000 रुपए का आता है और इस पर फायर की जाने वाली मिसाइल कम से कम 15,000 से 20,000 या उससे भी महंगी होती है। ऐसे में पुतिन को बहकाने के लिए ज़ेलेंस्की की साजिश को आप समझ सकते हैं। पुतिन बहुत गोले बरसा रहे हैं, यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पुतिन जब हमला करते हैं तो एक साथ दर्जनों मिसाइल दागते हैं, चाहे कीव हो, ओदेसा हो, बखमूत हो या फिर खार्किव। पुतिन का गुस्सा चारों तरफ आग बनकर फूंकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हर महीने यूक्रेन की फौज पर 4.5 लाख गोले दाग रहे हैं, यानी हर रोज पुतिन को 15,000 गोलों की जरूरत पड़ती है और उनकी वॉर फैक्ट्री को रोजाना इतने गोलों का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि अगर पुतिन की गोलाबारी ज़ेलेंस्की के असली टैंक की बजाय ऐसे नकली टैंक पर होगी तो नुकसान किससे ज्यादा होगा, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की को पूरी फंडिंग यूरोप और नेटो के देश कर रहे हैं। पुतिन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली ये टैक्टिक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये बात बाइडन और उनके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डिकॉय हथियार आर्टिफिशियल रेशम और रबर से बना होता है और ऐसे डमी का वजन 100 किलो तक हो सकता है। इसमें हवा भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसे तैनात करने के लिए 3 से 4 फौजियों की जरूरत होती है। इस तरह के नकली हथियार बनाने वाली कंपनियों को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जबरदस्त फायदा हुआ है क्योंकि अब उनको सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऑर्डर मिलने लगे। Na základě toho, že my si vědomi, že jsme špička globálně ve výrobě nafukovacích návnad, tak pokud někdo někde používá nějaké návnady, které jsou opravdu úspěšné, tak my pevně věříme, že jsou od nás a nedají se na trhu sehnat. जब 2022 में ज़ेलेंस्की को अमेरिका से हाइमर सिस्टम मिले तो पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद पुतिन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले में हाइमर्स सिस्टम के अलावा M777 तोप भी तबाह हुई है।
जबकि ज़ेलेंस्की की फौज ने बताया कि एक भी सिस्टम रूस के हमले में बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे में क्या समझा जाए कि पुतिन की फौज ने अपना गोला बारूद उस निशाने को खत्म करने में इस्तेमाल किया जो असलियत में हवा से भरे गुब्बारे थे। हाल ही में ज़ेलेंस्की की फौज पर रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिका की तरफ से सप्लाई की गई तोप को नुकसान पहुंचाया। В направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы М100Б, три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США. जब यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले चल रहे हैं, बखमूत से लेकर खारकीव पर बमबारी तेज हो गई है, तब रूस और यूक्रेन के दावों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन सच यही है कि डेकॉय हथियार दुश्मन फौज को गुमराह तो कर ही देते हैं। अभी डॉनबास और आसपास सबसे खतरनाक टैंक युद्ध का डर सता रहा है और यहाँ पुतिन अपनी सबसे बड़ी फोर्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। पूरा यूरोप इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। मार्च और उसके बाद ऐसी लड़ाई होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को तीन फ्रंट की नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वैलेरी गेरासिमो को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वैलेरी गेरासिमो आर्मर कोर ऑफिसर हैं और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वैलेरी गेरासिमो के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को नेटो से नए टैंक मिलेंगे, ये बात तय है। ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में दो टैंकों का नाम सबसे आगे रहा है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। जबकि दोनों टैंक यूक्रेन आएंगे तो इनकी टक्कर रूस के दो बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72 B3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। यूक्रेन की फौज इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि टैंक युद्ध के लिए पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर काम पर लगा दिया है। जब तक नए टैंक फ्रंट पर नहीं पहुंचते, यूक्रेन की टैंक पावर अपनी ताकत जुटाकर मोर्चा संभाले हुए है। वो रूस के टैंकों को अपने सामने साफ साफ देख सकते हैं। Дією розвідки було виявлено група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою. Зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. Зараз це працює танчик по координатам в повній взаємодії з аеророзвідкою. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के 3,500 टैंक या तो खत्म कर दिए गए या फिर किसी लायक नहीं छोड़े गए और जिन टैंकों को रूस के फौजी छोड़कर भागे हैं, अब वही टैंक यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है। Нас навчали, як кажуть, для кожного танка.
ये खारकियों का इलाका है और यहाँ ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। वो दिन जाकर भी कुछ नहीं कर पाए। खारकियों के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहाँ आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल तो और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नेटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे? सौ 80 दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नेटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें MLRS और HIMARS रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे, लेकिन नेटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस यूक्रेन और नेटो के तोपखाने रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है? इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का यह पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के तोपखाने रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है। आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली, इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नेटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवेत्जर 2, अमेरिका में बना हिमार्स रॉकेट, MLR, एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नेटो के एडवांस हथियार।
डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा हमले कैसे कर लिए, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से हक्के बक्के हैं। Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन पर अब तक 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। यहां तक कि यूक्रेन पर रूस 3500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आखिर रूस इतने सटीक तरीके से यूक्रेन के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल को कैसे तबाह कर रहा है। इसका जवाब कहीं ना कहीं रूस की पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली में मिलता है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के हथियारों का काल बन चुका है। जरा ये जान लीजिए पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन काम कैसे करता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन रूस की एक ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली है। ये बिना रेडियो तरंगों को छोड़े नाटो और यूक्रेन के मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने के ध्वनिक सेंसर को पकड़ लेता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन मोर्टार, MLR, anti-aircraft या मिसाइल फायरिंग पोजीशन का तुरंत पता लगा लेती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये 1B75 पेनिसिलिन यानी आवाज बम जमीन पर तोपखाने, मिसाइल, रॉकेट, MLR, anti-aircraft की तरंगों को सेकंडों में पकड़ लेती है और तुरंत उस पर घातक हमला कर देती है, जिससे नाटो और यूक्रेन का तोपखाना और रॉकेट आर्मी बिना फायर किए मौके पर ही तबाह हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दो गुनी संख्या में 1B75 पेनिसिलिन को यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जंग में उतार दिया है, जिसकी वजह से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के टॉप कमांडर तो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि पुतिन का आवाज बम नाटो और यूक्रेन पर डबल डोज अटैक साबित हो रहा है। текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. पुतिन के मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन की तरफ बढ़ चुका है। इधर ज़ेलेंस्की को कागजों पर रैंक मिल रहे हैं, फाइटर जेट देने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि यूक्रेन का तो सिर्फ भगवान ही मालिक है, क्योंकि रूस ने जब से गुप्त तरीके से 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली को जंग में उतारा है, तब से यूक्रेन लगातार हारता जा रहा है। जरा ये भी जान लीजिए 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम यूक्रेन के लिए यमराज क्यों बन गया है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक सेंसर यानी जमीन पर तोपखाने, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के कंपन को भांप लेता है। महज 5 सेकंड में ध्वनिक सेंसर 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम दुश्मन के हथियारों का पता लगा लेता है, जबकि दुश्मनों को रूस के 1B75 पेनिसिलिन की भनक तक नहीं मिलती, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को नहीं छोड़ता है। ये 40 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की घातक मिसाइल, होवित्ज़र तोपखाने, हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम, MLR का पलक झपकते पता लगा लेता है और तुरंत हमला करके तबाह कर देता है। रूस ने 1B75 पेनिसिलिन को साल 2020 से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में 1B75 पेनिसिलिन की डबल डोज यानी हमलों से नाटो और यूक्रेन के हथियारों की चीथड़े उड़ा दिए हैं। पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को अब तक जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो नाटो और ना ही पश्चिमी देशों के हथियार रूस को जंग में हरा पा रहे हैं। बल्कि रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें वोलेदार, खेरसोन और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। Артилерія, артилерія номер 1 це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію, не стріляти по території Росії.
कुल मिलाकर पुतिन का रूस, नाटो और पश्चिमी देशों के कुल 80 देशों से अकेले दम पर निपट रहा है। लेकिन जब से पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली जंग में उतरी है, तब से यूक्रेन के लिए रूस का यह हथियार साक्षात काल बन चुका है। अब देखते हैं कि रूस के स्पेशल ऑपरेशन को ज़ेलेंस्की का यूक्रेन और नाटो दक्षिणी यूक्रेन में कैसे रोकते हैं। ज़ेलेंस्की को लेपर्ड मिलेगा, एब्रम्स मिलेगा, चैलेंजर मिलेगा, तो कोई शक नहीं कि पुतिन तिगुनी ताकत वाले टैंक पावर से जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की के टैंक को रोकने के लिए पुतिन एंटी टैंक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसे में पुतिन के गुस्से से कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की के कमांडर? तो उसका जवाब है ये तस्वीरें। तस्वीर नंबर एक, आप सोचेंगे कि ये कैसा टैंक है, ये चीज दिखती तो टैंक की तरह है। तस्वीर नंबर दो, ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा नजर आता है और ये टैंक नहीं हो सकता। तस्वीर नंबर तीन, इसे डिकॉय हथियार कहते हैं, यानी दुश्मन को धोखा देने वाला वो हथियार। तस्वीर नंबर चार, ऐसे डिकॉय हथियार को तबाह करने के चक्कर में दुश्मन अपने बेशकीमती मिसाइल बर्बाद कर लेता है। तस्वीर नंबर पांच, ये टैंक भी हो सकता है, ये हाइमर्स जैसा रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है। अब देखिए कि ऐसे हथियार कैसे बनाए जाते हैं और कुछ मिनटों में ये कपड़े नुमा टैंक कैसे हवा भरने के बाद एक असली हथियार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेक गणराज्य की कंपनी ऐसे डमी हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई किया है और इनकी मांग तेज हो रही है क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। देखिए कैसे तैयार हो गया एक हाइमर्स सिस्टम, और अगर ज़ेलेंस्की इसे तैनात करते हैं तो पुतिन की फौज अपनी मिसाइल इस पर जरूर दागेगी और तब पुतिन फंस जाएंगे। दिस थिंग इज अ सडन बूम बिकॉज़ बिफोर दिस इट वाज ओनली अ वेरी स्मॉल मार्केट वेयर पीपल डिडंट इवन नो अबाउट दैट वी एग्जिस्ट दैट वी आर डूइंग सच अ डिकॉय और व्हाटएवर. But now with the awareness and how we've been spending a little bit more of our budgets with marketing and sales, and that's where I come in, there is more inquiries, there is more people who wanting to know. There's a lot of them don't even know that there is such a thing available. अपनी टैंक पावर और अपने लड़ाकू विमानों के फ्लीट गमा चुके ज़ेलेंस्की को ये आइडिया बाइडन ने दिया है। बाइडन ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि जब तक नाटो नए हथियार पहुंचाता है तब तक वो ऐसे गुब्बारों से पुतिन को फंसाने की कोशिश करें। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि नाटो से नई खेप मिलने तक ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम खाली है और पुतिन लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अब नाटो ने ज़ेलेंस्की को नया झुंझुना थमा दिया है जो कम से कम पुतिन की मिसाइलों को तो बहका ही सकता है। अब पैसों के मामले में क्या खेल करता है वो समझिए। ये गुब्बारे वाला एक बैटल टैंक 15,000 से 20,000 रुपए का आता है और इस पर फायर की जाने वाली मिसाइल कम से कम 15,000 से 20,000 या उससे भी महंगी होती है। ऐसे में पुतिन को बहकाने के लिए ज़ेलेंस्की के साजिश को आप समझ सकते हैं। पुतिन बहुत गोले बरसा रहे हैं, यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पुतिन जब हमला करते हैं तो एक साथ दर्जनों मिसाइल दागते हैं, चाहे कीव हो, ओदेसा हो, बखमूत हो या फिर खारकीव। पुतिन का गुस्सा चारों तरफ आग बनकर फूंकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हर महीने यूक्रेन की फौज पर 4.5 लाख गोले दाग रहे हैं, यानी हर रोज पुतिन को 15,000 गोलों की जरूरत पड़ती है और उनकी वॉर फैक्ट्री को रोजाना इतने गोलों का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि अगर पुतिन की गोलाबारी ज़ेलेंस्की के असली टैंक की बजाय ऐसे नकली टैंक पर होगी तो नुकसान किससे ज्यादा होगा, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की को पूरी फंडिंग यूरोप और नाटो के देश कर रहे हैं। पुतिन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली ये टैक्टिक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये बात बाइडन और उनके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
ये डेकॉय हथियार आर्टिफिशियल रेशम और रबर से बना होता है और ऐसे डमी का वजन 100 किलो तक हो सकता है। इसमें हवा भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसे तैनात करने के लिए 3 से 4 फौजियों की जरूरत होती है। इस तरह के नकली हथियार बनाने वाली कंपनियों को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जबरदस्त फायदा हुआ है, क्योंकि अब उनको सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऑर्डर मिलने लगे। Na základě toho, že my si vědomi, že jsme špička globálně ve výrobě nafukovacích návnad, tak pokud někdo někde používá nějaké návnady, které jsou opravdu úspěšné, tak my pevně věříme, že jsou od nás a nedají se na trhu sehnat. जब 2022 में जेलेंस्की को अमेरिका से हाइमर सिस्टम मिले तो पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद पुतिन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले में हाइमर सिस्टम के अलावा M777 तोप भी तबाह हुई है, जबकि जेलेंस्की की फौज ने बताया कि एक भी सिस्टम रूस के हमले में बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे में क्या समझा जाए कि पुतिन की फौज ने अपना गोला बारूद उस निशाने को खत्म करने में इस्तेमाल किया जो असलियत में हवा से भरे गुब्बारे थे। हाल ही में जेलेंस्की की फौज पर रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिका की तरफ से सप्लाई की गई तोप को नुकसान पहुंचाया। В направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Один танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы М100Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 1 артиллерийская система М777 производства США. जब यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले चल रहे हैं, बखमूत से लेकर खारकीव पर बमबारी तेज हो गई है, तब रूस और यूक्रेन के दावों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन सच यही है कि डेकॉय हथियार दुश्मन फौज को गुमराह तो कर ही देते हैं। अभी डॉनबास और आसपास सबसे खतरनाक टैंक युद्ध का डर सता रहा है और यहाँ पुतिन अपनी सबसे बड़ी फोर्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। पूरा यूरोप इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। मार्च और उसके बाद ऐसी लड़ाई होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वैलेरी गेरासिमो को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वैलेरी गेरासिमो आर्मर कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वैलेरी गेरासिमो के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को नेटो से नए टैंक मिलेंगे, ये बात तय है। जेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में 2 टैंकों का नाम सबसे आगे रहा है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक, जबकि दोनों टैंक यूक्रेन आएंगे तो इनकी टक्कर रूस के 2 बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72 B3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। यूक्रेन की फौज इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि टैंक युद्ध के लिए पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर काम पर लगा दिया है। जब तक नए टैंक फ्रंट पर नहीं पहुंचते, यूक्रेन की टैंक पावर अपनी ताकत जुटाकर मोर्चा संभाले हुए है। वो रूस के टैंकों को अपने सामने साफ साफ देख सकते हैं।
дією розвідки було виявлено група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою. Зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. Зараз це працює танчик по координатам в повній взаємодії з аеророзвідкою. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के 3,500 टैंक या तो खत्म कर दिए गए या फिर किसी लायक नहीं छोड़े गए, और जिन टैंकों को रूस के फौजी छोड़कर भागे हैं, अब वही टैंक यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है। Нас навчали, як кажуть, для кожного танка. Це Харків का इलाका है और यहां ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। खार्किव के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहां आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल, रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल, तोप और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नेटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे? सौ दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है। जबकि नेटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें एमएलआरएस और हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे, लेकिन नेटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नेटो के तोपखाने रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है? इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का यह पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के तोपखाने रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है।
आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली, इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नाटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवेत्जर 2, अमेरिका में बना हिमार्स रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नाटो के एडवांस हथियार। डिफेंस एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इधर ज़ेलेंस्की को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा हमले कैसे कर लिए, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से हक्के बक्के हैं। Чергове намагання держави-терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन पर अब तक 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। यहां तक कि यूक्रेन पर रूस 3500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि आखिर रूस इतने सटीक तरीके से यूक्रेन के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल को कैसे तबाह कर रहा है। इसका जवाब कहीं ना कहीं रूस की पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली में मिलता है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो के हथियारों का काल बन चुका है। जरा ये जान लीजिए पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन काम कैसे करता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन रूस की एक ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली है। ये बिना रेडियो तरंगों को छोड़े नाटो और यूक्रेन के मिसाइल, रॉकेट और तोपखाने के ध्वनिक सेंसर को पकड़ लेता है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन मोर्टार, MLR एंटी एयरक्राफ्ट या मिसाइल फायरिंग पोजीशन का तुरंत पता लगा लेती है। इसे साधारण भाषा में समझें तो ये 1B75 पेनिसिलिन यानी आवाज बम जमीन पर तोपखाने, मिसाइल, रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट की तरंगों को सेकंडों में पकड़ लेती है और तुरंत उस पर घातक हमला कर देती है, जिससे नाटो और यूक्रेन का तोपखाना और रॉकेट आर्मी बिना फायर किए मौके पर ही तबाह हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में 2 गुनी संख्या में 1B75 पेनिसिलिन को यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जंग में उतार दिया है, जिसकी वजह से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के टॉप कमांडर तो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि पुतिन का आवाज बम नाटो और यूक्रेन पर डबल डोज अटैक साबित हो रहा है। текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. पुतिन के मॉस्को से मौत का तूफान यूक्रेन की तरफ बढ़ चुका है। इधर ज़ेलेंस्की को कागजों पर टैंक मिल रहे हैं, फाइटर जेट देने का भरोसा दिया जा रहा है। ऐसे हालात में यही कहा जा सकता है कि यूक्रेन का तो सिर्फ भगवान ही मालिक है, क्योंकि रूस ने जब से गुप्त तरीके से 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली को जंग में उतारा है, तब से यूक्रेन लगातार हारता जा रहा है। जरा ये भी जान लीजिए 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम यूक्रेन के लिए यमराज क्यों बन गया है। पेनिसिलिन या 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक सेंसर यानी जमीन पर तोपखाने, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के कंपन को भांप लेता है। महज 5 सेकंड में ध्वनिक सेंसर 1B75 पेनिसिलिन सिस्टम दुश्मन के हथियारों का पता लगा लेता है, जबकि दुश्मनों को रूस के 1B75 पेनिसिलिन की भनक तक नहीं मिलती, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को नहीं छोड़ता है। ये 40 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन की घातक मिसाइल, होवेत्जर 2, तोपखाने, हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम, MLR का पलक झपकते पता लगा लेता है और तुरंत हमला करके तबाह कर देता है।
रूस ने 1B75 पेनिसिलिन को साल 2020 से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेन में 1B75 पेनिसिलिन की डबल डोज यानी हमलों से नाटो और यूक्रेन के हथियारों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। पुतिन के क्रोध का सामना अब यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। खुद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को अब तक जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ना तो नाटो और ना ही पश्चिमी देशों के हथियार रूस को जंग में हरा पा रहे हैं। बल्कि रूस ने तो पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें वोहलेदार, खेरसोन और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। Артилерія, артилерія номер 1 це те, що нам потрібно, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості, щоб зупинити Росію, не стріляти по території Росії. कुल मिलाकर पुतिन का रूस, नाटो और पश्चिमी देशों के कुल 80 देशों से अकेले दम पर निपट रहा है। लेकिन जब से पुतिन का आवाज बम यानी 1B75 पेनिसिलिन ध्वनिक थर्मल आर्टिलरी टोही प्रणाली जंग में उतरी है, तब से यूक्रेन के लिए रूस का यह हथियार साक्षात काल बन चुका है। अब देखते हैं कि रूस के स्पेशल ऑपरेशन को ज़ेलेंस्की का यूक्रेन और नाटो दक्षिणी यूक्रेन में कैसे रोकते हैं। ज़ेलेंस्की को लेपर्ड मिलेगा, एब्रम्स मिलेगा, चैलेंजर मिलेगा, तो कोई शक नहीं कि पुतिन तिगुनी ताकत वाले टैंक पावर से जवाब देंगे। ज़ेलेंस्की के टैंक को रोकने के लिए पुतिन एंटी टैंक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसे में पुतिन के गुस्से से कैसे बचेंगे ज़ेलेंस्की के कमांडर? तो उसका जवाब है ये तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1। आप सोचेंगे कि ये कैसा टैंक है, ये चीज दिखती तो टैंक की तरह है। तस्वीर नंबर 2। ये एक हवा भरा हुआ गुब्बारा नजर आता है और ये टैंक नहीं हो सकता। तस्वीर नंबर 3। इसे डिकॉय हथियार कहते हैं, यानी दुश्मन को धोखा देने वाला वो हथियार। तस्वीर नंबर 4। ऐसे डिकॉय हथियार को तबाह करने के चक्कर में दुश्मन अपने बेशकीमती मिसाइल बर्बाद कर लेता है। तस्वीर नंबर 5। ये टैंक भी हो सकता है, ये हाइमर्स जैसा रॉकेट लॉन्चर भी हो सकता है। अब देखिए कि ऐसे हथियार कैसे बनाए जाते हैं और कुछ मिनटों में ये कपड़े नुमा टैंक कैसे हवा भरने के बाद एक असली हथियार की तरह खड़े हो जाते हैं। चेक गणराज्य की कंपनी ऐसे डमी हथियार बनाकर यूक्रेन को सप्लाई किया है और इनकी मांग तेज हो रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। देखिए कैसे तैयार हो गया एक हाइमर्स सिस्टम, और अगर ज़ेलेंस्की इसे तैनात करते हैं तो पुतिन की फौज अपने मिसाइल इस पर जरूर दागेगी और तब पुतिन फंस जाएंगे। दिस थिंग इज अ सडन बूम, बिकॉज बिफोर दिस इट वाज ओनली अ वेरी स्मॉल मार्केट वेयर पीपल डिडंट इवन नो अबाउट दैट वी एग्जिस्ट, दैट वी आर डूइंग सच अ डिकॉय और व्हाटएवर. But now with the awareness and how we've been spending a little bit more of our budgets with marketing and sales, and that's where I come in, there is more inquiries, there is more people who wanted to know. There's a lot of them don't even know that there is such a thing available. Apni tank power aur apne ladako vimano ke fleet gama chuke Zelensky ko ye idea Biden ne diya hai. बाइडन ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि जब तक नाटो नए हथियार पहुंचाता है तब तक वो ऐसे गुब्बारों से पुतिन को फंसाने की कोशिश करें। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि नाटो से नई खेप मिलने तक ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम खाली है और पुतिन लगातार कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए अब नाटो ने ज़ेलेंस्की को नया झुंझुना थमा दिया है जो कम से कम पुतिन की मिसाइलों को तो बहका ही सकता है। अब पैसों के मामले में क्या खेल करता है वो समझिए।
ये गुब्बारे वाला एक बैटल टैंक 15,000 से 20,000 रुपए का आता है और इस पर फायर की जाने वाली मिसाइल कम से कम 15,000 से 20,000 या उससे भी महंगी होती है। ऐसे में पुतिन को बहकाने के लिए ज़ेलेंस्की के साजिश को आप समझ सकते हैं। पुतिन बहुत गोले बरसा रहे हैं। यूक्रेन में शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पुतिन जब हमला करते हैं तो एक साथ दर्जनों मिसाइल दागते हैं, चाहे कीव हो, ओदेसा हो, बखमूत हो या फिर खार्किव। पुतिन का गुस्सा चारों तरफ आग बनकर फूंकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन हर महीने यूक्रेन की फौज पर 4.5 लाख गोले दाग रहे हैं, यानी हर रोज पुतिन को 15,000 गोलों की जरूरत पड़ती है और उनकी वॉर फैक्ट्री को रोजाना इतने गोलों का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सोचिए कि अगर पुतिन की गोलाबारी ज़ेलेंस्की के असली टैंक की बजाय ऐसे नकली टैंक पर होगी तो नुकसान किसे ज्यादा होगा, खासकर तब जब ज़ेलेंस्की को पूरी फंडिंग यूरोप और नेटो के देश कर रहे हैं। पुतिन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली ये टैक्टिक रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये बात बाइडेन और उनके दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डिकॉय हथियार आर्टिफिशियल रेशम और रबर से बना होता है और ऐसे डमी का वजन 100 किलो तक हो सकता है। इसमें हवा भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसे तैनात करने के लिए 3 से 4 फौजियों की जरूरत होती है। इस तरह के नकली हथियार बनाने वाली कंपनियों को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जबरदस्त फायदा हुआ है, क्योंकि अब उनको सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऑर्डर मिलने लगे। Na základě toho, že my si vědomi, že jsme špička globálně ve výrobě nafukovacích návnad, tak pokud někdo někde používá nějaké návnady, které jsou opravdu úspěšné, tak my pevně věříme, že jsou od nás a nedají se na trhu sehnat. जब 2022 में ज़ेलेंस्की को अमेरिका से हाइमर सिस्टम मिले तो पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद पुतिन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले में हाइमर सिस्टम के अलावा M777 तोप भी तबाह हुई है, जबकि ज़ेलेंस्की की फौज ने बताया कि एक भी सिस्टम रूस के हमले में बर्बाद नहीं हुआ। ऐसे में क्या समझा जाए कि पुतिन की फौज ने अपना गोला बारूद उस निशाने को खत्म करने में इस्तेमाल किया जो असलियत में हवा से भरे गुब्बारे थे। हाल ही में ज़ेलेंस्की की फौज पर रूस ने दावा किया कि उसने अमेरिका की तरफ से सप्लाई की गई तोप को नुकसान पहुंचाया। В направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Один танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы М100Б, 3 гаубицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 1 артиллерийская система М777 производства США. जब यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमले चल रहे हैं, बखमूत से लेकर खार्कीव पर बमबारी तेज हो गई है, तब रूस और यूक्रेन के दावों को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन सच यही है कि डिकॉय हथियार दुश्मन फौज को गुमराह तो कर ही देते हैं। अभी डॉनबास और आसपास सबसे खतरनाक टैंक युद्ध का डर सता रहा है और यहाँ पुतिन अपनी सबसे बड़ी फोर्स के साथ स्पेशल ऑपरेशन तेज करने में जुटे हुए हैं। पूरा यूरोप इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है। मार्च और उसके बाद ऐसी लड़ाई होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वालेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वालेरी गेरासिमोव आर्मर कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वालेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी।
जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन को नेटो से नए टैंक मिलेंगे, ये बात तय है। ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में दो टैंकों का नाम सबसे आगे रहा है। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। जबकि दोनों टैंक यूक्रेन आएंगे तो इनकी टक्कर रूस के दो बहुत ही खास टैंक से होगी। एक है रूस का T-72 B3 टैंक जो T-72 का आधुनिक वर्जन है और दूसरा है T-90 जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। यूक्रेन की फौज इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है क्योंकि टैंक युद्ध के लिए पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर काम पर लगा दिया है। जब तक नए टैंक फ्रंट पर नहीं पहुंचते, यूक्रेन की टैंक पावर अपनी ताकत जुटाकर मोर्चा संभाले हुए है। वो रूस के टैंकों को अपने सामने साफ साफ देख सकते हैं। Група противника, яка зайшла на нашу територію з бронетехнікою, зараз іде відпрацювання на знищення противника на нашій території. Зараз це працює танчик по координатам в повній взаємодії з аеророзвідкою. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन के टैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के 3,500 टैंक या तो खत्म कर दिए गए या फिर किसी लायक नहीं छोड़े गए। और जिन टैंकों को रूस के फौजी छोड़कर भागे हैं, अब वही टैंक यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है। Нас навчали, як кажуть, для кожного танка. Це Харків का इलाका है और यहां ज़ेलेंस्की का मोर्चा काफी मजबूत रहा है। पुतिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। खार्किव के चारों तरफ ज़ेलेंस्की का डिफेंस काफी मजबूत माना जाता है और पुतिन के लिए यहां आगे बढ़ने का ऑर्डर हमेशा सैनिकों की मौत की खबर लाता है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद से अब रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने मिसाइल और रॉकेट से 300 से ज्यादा जो हमले किए हैं। क्या वो रूस के ऑपरेशन जीरो की शुरुआत है? क्या वाकई में पुतिन की फौज ने यूक्रेन में नेटो और अमेरिका की घातक मिसाइल रॉकेट और तोप खाने को आवाज बम से तबाह करना शुरू कर दिया है? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर पुतिन के पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम को काबू नहीं किया गया तो फिर 40 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन और नेटो की एक भी मिसाइल तो और रॉकेट आर्मी रूस पर हमला नहीं कर पाई। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अब हारते यूक्रेन को देखकर भागने की सोचने लगे? आखिर 50 लाख करोड़ का नुकसान झेलने के बाद भी नाटो और अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें क्यों नहीं दे रहे? सौ 80 दिन की जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को पूरी तरह से रौंद डाला है। सोलेदार के बाद बखमूत और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके वहलदार पर रूस ने भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के मिसाइल ड्रोन
और रॉकेट हमलों को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पा रहा है, जबकि नाटो और अमेरिका दावा कर रहे हैं कि उनकी घातक मिसाइलें MLRS और हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूस को तबाह करके रख देंगे। लेकिन नाटो और अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद रूस ने पूर्वी यूक्रेन का 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन से छीन लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रूस, यूक्रेन और नाटो के तोपखाने रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पर अचूक निशाना कैसे लगा रहा है। इसका जवाब है पुतिन का आवाज बम, जिसे सैन्य भाषा में पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली के नाम से जाना जाता है। रूस का यह पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली यानी आवाज बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने यूक्रेन में अमेरिका और नाटो के तोपखाने रॉकेट सिस्टम को पलक झपकते ही धमाके से उड़ा दिया है। आखिर क्या है रूस का ये डबल डोज पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली, इसे जरा जान लीजिए। रूस का पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली युद्ध में नाटो और यूक्रेन का काल बन चुकी है। रूसी सेना ने पहली बार साउंड थर्मल टोही पेनिसिलिन को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली को कुछ लोग पुतिन का आवाज बम भी कहते हैं। जंग में शामिल यूक्रेन की होवेत्जर 2, अमेरिका में बना हिमार्स रॉकेट, MLR एंटी एयरक्राफ्ट को पुतिन ने पेनिसिलिन साउंड थर्मल टोही प्रणाली चुन चुन कर तबाह कर रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन की तोपें गोला दागने से पहले ही तबाह हो रही हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट रूस पर हमला करने से पहले ही हवा में फट रहे हैं। यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और रॉकेट आर्मी के हमलों को ना तो यूक्रेन रोक पा रहा है और ना ही नाटो के एडवांस हथियार।